उठाओ उठाओ आ जाओ वापस आ जाओ वापस आ जाओ ये व्यूअर्स हमारी लुबना सबसे पहले खाना खाने शुरू हुई थी और आखिर तक माशाल्लाह खा रही है, आप देख सकते हैं इसको। और बिल माशाल्लाह ये देखें, पहले व्यूअर्स को अपना नाम बताइएगा। जी सजाद इमाम। सजाद भाई, ये जो आपका इलाका है इसका नाम क्या है? ये इसको मूलिया कहते हैं, मूलिया बुकोट। अच्छा। तो ये साबरी आबशार है। ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, बिजली का मनसूबा है, जो लोग अपनी मदद, आप 200 घरों को बिजली फराहम कर रहे हैं। ठीक है। तो ये जो सियाह लोग आते हैं उनके लिए बड़ा ये तफरी का मकाम है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी जगह है। ये ऊपर पहाड़ियाँ और जंगलात हैं, बड़ा खूबसूरत मकाम है। अच्छा, लोग भी मैंने सुना है अक्सर कि जब यहाँ टूरिस्ट आते हैं तो कुछ थोड़ा बहुत तलखी, लड़ाई झगड़ा भी हो जाए, किस वजह से होता है? और आप क्या कहते हैं कि किस तरह से लोग आपके साथ क्या तावन करें, और यहाँ के लोगों को आप क्या मशवरा देंगे ताकि टूरिज़्म बढ़े और इन इलाकों में आमदनी बढ़े? देखो, टूरिज़्म जो आते हैं वो इस इलाके की, मतलब इस इलाके की डेवलपमेंट के लिए आते हैं। इलाके का, हमारे जो इलाके के लोग हैं उनके लिए वो रोज़गार के मौके फराहम करते हैं। तो हमारे लोगों को चाहिए कि वो अपने दिलों को थोड़ा कुशादा करें इन लोगों के लिए, इनको अप्रिशिएट करें, ताकि ये लोग आते हैं तो हमारे, मतलब, रोज़गार के मौके ये मुहैया करते हैं और खुलते हैं। तो अमूमन लड़ किस बात पे पड़ते हैं, किस बात पे? टूरिस्ट का और यहाँ के मुकामी लोगों का झगड़ा किस बात पे हो जाता है? बस वो थोड़ा सा कुछ सकाफत होती है कुछ मामलात में, मतलब उनके रस्म और रवाज, रहन सहन, इस चीज़ों के हवाले से, वजह से आपस में ये लड़। तो आप क्या कहेंगे अपने साबरी वाटरफॉल के लिए, दुनिया को क्या मैसेज देंगे? यहाँ लोग आएँ, आप उनको वेलकम करेंगे? जी। रेट ज़्यादा लगाएंगे या उनको सस्ती चीज़ें देंगे, रिहाइश देंगे? नहीं नहीं, इंशाल्लाह हम वेलकम करते हैं, हमारे लिए जो भी आते हैं, हम ऑल वर्ल्ड, पूरी दुनिया के लोगों को खुश आमदेद कहते हैं। प्यारा सा हमारा शहजादा सा, क्यूट सा हीरो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, आबशार पे बड़ा एंजॉय कर रहा है, इससे भी बात करते हैं। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। अच्छा, कैसा लग रहा है यहाँ आके? चौधरी राशिद साहब लेके आए हैं तो एंजॉय कर रहे हैं? जी बहुत एंजॉय कर रहे हैं सर। वो फ्यूचर प्लानिंग ही चलो बता दो, कोई मॉडल बनना है या नहीं? नहीं कुछ भी नहीं, वैसे ही बस इधर घूमने फिरने आए हैं। कैसा लगा यहाँ? अच्छा लगा है काफ़ी। तो क्या इरादा है, मुस्तकबिल में जॉब करेंगे क्या करेंगे? नहीं अभी नहीं, फिलहाल सोचा इतना, सिर्फ पढ़ाई हो रही है। हाँ पढ़ाई हो रही है। तो आए कहाँ से हो आप? मैं गुजर खान से आया हूँ। गुजर खान से? गुजर खान में पापा भी आए थे, बड़ा दस्त है ना। अच्छा ये बताएं कि गुजर खान के मौसम में और यहाँ कुछ क्या डिफरेंट क्या आपने? यहाँ थोड़ी सर्दी है, वहाँ थोड़ी गर्मी है। पानी के बहुत कुछ होते हैं,
आपको पता है पिछली रिपोर्टिंग में भी मैं गिरा भी था, तो इसलिए एहतियात करनी चाहिए। अस्सलामुअलैकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से भाई? सरगोधा से भाईजान जी। हो जी, सरगोधा शहर दिया क्या बात है जी, शहीदों का शहर सरगोधा है। सरगोधा सरगोधा बिल्कुल। और यहाँ आके क्या फील कर रहे हैं आप? बहुत जबरदस्त, क्या बात है। सरगोधे वाले मैसेज या गलो ना इतने आया करो जी। माशाल्लाह बहुत अच्छा जनाब सीन है सरगोधे वालों। आप भाई कुछ कहना चाहेंगे? जी भाई, मैं चनियोट से आया हूँ तो बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। सब लोग यहाँ पर आए और बहुत इंजॉय करने की यहाँ जगह है बहुत ज़्यादा। अच्छा, आप कुछ कहना चाहें भाई? मैं भाई फैसलाबाद से आया हूँ, बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ यहाँ पर। अच्छा, फैसलाबाद है पाजी, सुनाओ मौसम कैसा है? मौसम फैसलाबाद का गर्म है, गर्मी ज़्यादा है? बहुत गर्मी ज़्यादा है। अच्छा, ये दसो भाई से आके, मैं काफ़ी देर से तुम देख रहे खूब रज के नहा रहे हो। जी जी, गर्मी गर्मी ज़्यादा ही था, इतने नावन आए हैं। जबरदस्त। बाकी फैसलाबाद वाले भी दसो ना, हम असं हम जावे तो उदू ट्राला भर के असं लै आवे। ट्राला का वेड़ा या बंद बंद का ट्राला भर के लै आवे। मैं क्या मत फैसलाबाद ही बिजनेस है नहीं चाह गया हो? नहीं नहीं, उदू बंदे राज के लै आवे। इतना माल भी बड़ा ज़्यादा है, खूबसूरत ही और इंजॉय भी बड़ा है। व्यूअर्स, हमारी आज की होस्ट और रिपोर्टर आपके साथ जो काफ़ी देर रही और रिपोर्टिंग की, इस वक्त वो इंजॉय कर रही हैं और इस वेदर के साथ सेल्फीज और फोटोग्राफी और अपने सीन जो है ले रही हैं। तो हमने कहा आपको ये भी दिखा दें। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं इस वक्त बहुत प्यारा सा मौसम और ये इतनी ज़बरदस्त प्लेस है कि यहाँ आके बंदे का वापस जाने को दिल ही नहीं करता है। इंजॉय करें जी, और बाकी लोग भी इंजॉय कर रहे हैं। और मेरा बहुत प्यारा भाई आसिफ इस वक्त असद फोटोग्राफी कर रहा है और हमारा परसों का साथ है व्यूअर्स। आज असद भी फोटोग्राफी के लिए और इस इलाके को देखने के लिए, सैर करने के लिए चौधरी राशिद साहब के साथ आया। तो असद भाई क्या महसूस कर रहे हैं? ये बहुत ज़बरदस्त जगह है जी, सारे लोगों को चाहिए कि वो यहाँ पे आएँ, अपनी फैमिलीज़ को लेके आएँ और घूमें। और स्पेशली ड्रीम इवेंट्स जो है वो ऐसे लोगों को ऐसी इन्वायरमेंट देता है और ऐसे मौके प्रोवाइड करता है ताकि जो लोग एक जिनके पास थोड़ा बहुत मिनिमम बजट होता है वो अपने इस बजट में भी जो है इतना अच्छी जगहों पे घूम सकते हैं। और मैं सजेशन करता हूँ ड्रीम इवेंट की टीम को ज्वाइन करें, हमारी सारी टीम प्रोफेशनल टीम है, आपको फोटोग्राफी खाना एवरीथिंग चीज़ें मिलेंगी इसमें। अच्छा सर, एक चीज़ और बताओ ना व्यूअर्स को, क्योंकि आप फोटोग्राफर हो तो लोगों को फोटोग्राफी के बारे में भी जानने का एक फ़ायदा हो जाता है ना हम लोगों से। इनडोर फोटोग्राफी और आउटडोर में प्लस इस तरह की एनवायरनमेंट में क्या आपको आसानी किस काम में, इनडोर में या इस आउटडोर में? आसानी की बात नहीं है, पहले ये होता था कि पहले आउटडोर इतने लोगों के पास मौके नहीं होते थे कि लोगों को बस स्टूडियोज़ के अंदर ही लाइट लगा के लोग ले लेते थे। अभी चूँकि जो कैमरेज हैं और जो लेंजेज हैं वो बहुत कॉस्टली हो गए और इतने कॉस्टली लेंजेज हो गए कि यहाँ पर इनके लिए बैकग्राउंड चेंज करना इनडोर वाली फोटोग्राफी जो है वो बिल्कुल भी मतलब एक्वर्ड सा सीन लगता है। जब हम लोग इतने अच्छे कॉस्टली लेंजेज लेके, इतनी अच्छी बॉडीज़ लेके ऐसी जगह पे आते हैं और ये बंदे की तस्वीर को चार चांद लगा देते हैं और बंदे को एक दफ़ा तस्वीरें खुद से बोलती हैं। तो जो आउटडोर फोटोग्राफी है उसका एक अपना ही मज़ा है, इनडोर जो था वो भी एक दौर था लेकिन अब इनडोर का इतना दौर नहीं रहा है। अच्छा, आपको पर्सनली असद इनडोर फोटोग्राफी में मज़ा आता है या आउटडोर में? आउटडोर अच्छा लगता है, आउटडोर बहुत अच्छा लगता है। तो मतलब घूमने के भी साथ मौके लग जाते हैं या इस वजह? हाँ, आउटडोर के हिसाब से जब ऐसे ट्रिप्स के कंपनीज के साथ हम लोग काम करते हैं तो वहाँ पे उनके लिए हमें घूमने के लिए मुख्तलिफ जगह पे जाने के मौका मिलता है और अच्छी अच्छी जगह हम विज़िट करते हैं। फिर हम अपने जो कस्टमर होते हैं उनके फ़ोटोशूट के लिए हम उनके लिए एक प्लान देते हैं उन लोगों को कि आप लोगों का जो कपल लव सॉन्ग हम लोग तैयार करते हैं, चूँकि आजकल आपको पता है सिनेमैटिक वीडियो का दौर है और सिनेमैटिक वीडियो में हम लोग जो वेडिंग का काम करते हैं उसमें हम लोग लोगों को देते हैं लव सॉन्ग देते हैं और लव सॉन्ग के लिए स्पेशली ऐसी जो जगहें होती हैं इन जगहों पे हम फिर कपल शूट को लेके आते हैं और उनका वेडिंग का जो प्रोमोज और कपल सॉन्ग होता है लव सॉन्ग वो हम ऐसी जगहों पे बनाते हैं। अच्छा, मतलब असद आपके कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोगों को आपको कंपनीज लाती हैं अगर कोई इस तरह से इवेंट्स पे तो वो उस इलाके के लोगों के लिए भी फ़ायदेमंद होता है कि आप उन लोगों को ये जगह फिर सजेस्ट कर देते हैं? उन लोगों के लिए भी है और लेकिन आउट
स्टेशन, क्योंकि आप ये देखें आप कवाला रावलपिंडी इस्लामाबाद से कवाला तो अच्छा खासा मतलब यहाँ पे कम से कम 2 घंटे की ड्राइव है, लेकिन जब हम किसी कपल को देंगे तो फिर हम उनको ये ऐसी वीडियोस फ़ोटोज़ पहले दिखाएंगे, ये बहुत प्यारी जगह है और हम आपका फ़ोटो शूट करेंगे आउटडोर, फिर हम उनसे प्लान करते हैं। आपको पता है पहले प्री वेडिंग भी होता है, उसके बाद पोस्ट वेडिंग भी होता है, और पोस्ट वेडिंग में हम लोग जो है उस तरह इस तरह की इन्वायरमेंट में 2-3 प्लेसेस पे कपल शूट को लेके जाके फोटो शूट करते हैं। आज ही असद को व्यूवर्स, क्योंकि असद फोटोग्राफी कर रहा है, मेरा छोटा भाई है, बहुत अच्छा फोटोग्राफर है और गुजर खान में इसका माशाल्लाह बड़ा नाम है और बड़ा अच्छा काम करता है। इसको अभी चूँकि सब लोग बार बार बुला रहे हैं तो मैंने थोड़ा सा असद का टाइम लिया, इसके लिए सॉरी जी। आप शूट करें जी, हम बाकी लोगों को दिखाते हैं। व्यूवर्स खूबसूरत नज़ारे आप देख रहे हैं, बड़ी खूबसूरत प्लेस, खूबसूरत लोग और इंटरटेनमेंट, इंजॉयमेंट, और मेरा शहजादा, आपका शहजादा, हम सब का शहजादा खूब जनाब इंजॉय करके सलमान खान बैठा हुआ है, तो ये चौधरी राशिद भी। व्यूअर्स हम तीनों जो हैं बहुत अरसे से इकट्ठे काम भी कर रहे हैं, मीडिया में भी, शोबिज में भी, और राशिद ने माशाल्लाह ये एक नया सिलसिला कुछ अरसा कबल शुरू किया ड्रीम इवेंट के नाम से, ये ट्रिप लेके जाने का, तो ये मेरी और सलमान साहब की अब मजबूरी बन गई है कि राशिद भाई हमें छोड़ते नहीं, हमें साथ आना पड़ता है। तो थोड़ी सी गपशप मैं चाहता हूँ ज़रा सलमान भाई से भी होनी चाहिए, अक्सर बहुत कम बोलते हैं, लेकिन आज मैं कोशिश करूँगा कि इनकी संजीदगी से हट के इस वेदर के हिसाब से कुछ थोड़ा सा इनसे चिट चैट होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम बस, आप खुद मीडिया वाले हैं तो आप कैमरा पकड़ लें माइक, ताकि मैं आराम से आपकी रिकॉर्डिंग करूँ। जी बाबा जी, आज जी बताए ना, क्या आज तो मज़े वाली बात है, क्या इंजॉय कर रहे हैं बाबा जी? माशाल्लाह बहुत चिल, बहुत इंजॉय, बहुत फन, बहुत अल्लाह गुल्ला, और अब बोल के साथ, फिर अब बोल आपके हाथ में, और इतना मज़े का इन्वायरमेंट, तो हर चीज़ बहुत मज़े की है, हर चीज़ बहुत मज़े की है, जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है। सिर्फ एज ए जर्नलिस्ट मेरा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से बस एक शिकायत है कि ये इतनी अच्छी एक प्लेस है, इतना अच्छा एक इलाका है जिसको ज़ाया किया जा रहा है। सिर्फ मैं ये चाहूँगा कि यहाँ की जो रोड्स वगैरह जो हैं उनको अच्छा कर दें, और यहाँ पर एक ऐसा छोटा सा एक इंटरटेनमेंट का जो व्यू है वो एक दे दें, तो अल्लाह ताला ने कुदरती यहाँ पर देखे ना आपको, तो आपने काफ़ी देर से आप कवर भी कर रहे हैं, लोग फैमिलियाँ कपल्स कैसे इन्जॉय कर रहे हैं इस सारे वेदर को, तो मुझे तो बहुत मज़ा आया जी। और ड्रीम इवेंट के साथ ये तीसरा ट्रिप है जिसको हम लोग कर रहे हैं, और इन्जॉय भी कर रहे हैं साथ साथ, लाइफ भी इन्जॉय कर रहे हैं, और दोस्तों के साथ ये वो यादें हैं जो हम कभी भी नहीं लाइफ में भूल सकते बाबा जी। तो आपका कैमरा इनको बंद कर रहा है, और इंशाल्लाह जब आपके ये चैनल पर चलेगी, इसके व्यूवर्स होंगे हज़ारों लाखों लोगों में ये जाएगी, तो मेरा पाकिस्तान की तरफ से सबको यही मैसेज है कि जी पाकिस्तान एक बड़ा खुशहाल मुल्क है, इसमें कोई दहशतगर्दी वगैरह नहीं है, दूर दूर से लोग आ रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, तो बस यही मैं कहना चाहूँगा सर। अच्छा सलमान भाई, थोड़ा सा ये ना कि हम जो मीडिया के लोग हैं, आपको पता है हम तो बड़ी मतलब स्ट्रगलिंग हार्ड, हमारा काम बहुत हार्ड होता है, तो ये मीडिया वालों को भी कुछ थोड़ा सा मशवरा दें, बीच में इसमें से टाइम निकाला करें, घूमने आया करें, जो हमारे दोस्त पिंडी इस्लामाबाद में मैं और आप देखते रहते हैं कि 24-24 घंटे बेचारे काम कर रहे हैं। एक्चुअली बाबा जी आपकी बात 100% दुरुस्त है, लेकिन ये कि मीडिया का किरदार अपनी जगह पे बड़ा अहम है, लेकिन अभी आपको पता है कि 6 से 7 माह का अरसा जो है वो लॉकडाउन का गुजरा है, और इसमें मतलब एक 2 लोग जो थे वो सर फहरिस्त थे जो हर टाइम शाना बशाना काम कर रहे थे, एक हमारा पैरामेडिकल स्टाफ जो डॉक्टर्स हैं, और दूसरे हमारे जो जर्नलिस्ट हैं, जो सहाफ़ी हैं, जो कैमरामैन हैं, वो दिन रात काम कर रहे थे। कोरोना मुहिम पर उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त काम किया, और मैं चाहूँगा कि उनको उनके जो इदारे हैं वो उनकी फैमिली के लिए उनको टाइम निकाल के दें, उनको छुट्टियाँ दें, ताकि वो ऐसी जगहों पर आएँ, और ताकि अपने दिमाग को, अपने जहन को फ्रेश करें, और अपनी फैमिली को थोड़ा सा टाइम दें। ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया जी। लव यू बाबा जी, लव यू, थैंक यू सो मच। ये जी हमारे सलमान भाई बहुत सारा माइंड का इधर मज़े ले रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। ये खूबसूरत नज़ारे व्यूअर्स आप देख रहे हैं, ज़बरदस्त हसीन इलाका है, और इस इलाके की ये खूबसूरती भी आपने देखी, और मेरे बहुत ही प्यारे प्यारे से दो साथी मेरे साथ मौजूद हैं, मैं चाहूँगा कि 1 by 1 इनसे बात की जाए, और आपको भी बताया जा रहा, इनको भी बताया जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, अपना नाम बताया ना जी? अदनान नाम है मेरा, मैं रावलपिंडी से हूँ, तो बड़ा अच्छा वेदर है, हम बड़ा इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, हमने अदनान भाई करते क्या है आप?
जी मेरा कंसल्टेंसी का काम है। अच्छा, तो मुश्किल काम होता है ना, तो कैसे वक्त निकाल लिया? बस इंजॉयमेंट के लिए टाइम निकालना पड़ता है। जबरदस्त जी, व्यूअर्स इन्होंने बड़ी प्यारी बात कही है, इंजॉयमेंट के लिए टाइम निकालना पड़ता है, निकलता नहीं है, और माशाल्लाह इन्होंने टाइम निकाला है, तो इस टाइम को ये यहाँ इंजॉय कर रहे हैं। तो लोगों को क्या सजेस्ट करेंगे आप? लोगों को, हर पाकिस्तानी बंदे को मैं सजेस्ट करूँगा कि वो एक दफ़ा यहाँ आए और यहाँ का नज़ारा देखे और इंजॉय करे जैसे हम इंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, पाकिस्तान जो है जी, क्या कहते हैं आप, ये खूबसूरत जगह है, मज़ा आता है या बस ऐसे ही है? सर, बहुत खूबसूरत जगह है यहाँ पे। लोग स्विट्ज़रलैंड जाते हैं, इटली जाते हैं, स्पेन जाते हैं, फ्रांस जाते हैं, वो एक दफ़ा यहाँ पर तो आके देखें ना, यहाँ का नज़ारा करें, यहाँ पे इंजॉयमेंट करें, फिर उनको पता लगेगा कि पाकिस्तान में क्या क्या चीज़ें हैं घूमने वाली, इंजॉयमेंट वाली। अच्छा, आपका क्योंकि कंसल्टेंसी का बिज़नेस है, कारोबार है, तो बहुत सारे लोग आउट ऑफ पाकिस्तान भी होंगे, वो इस वक्त आपको देख रहे होंगे, तो उनको पाकिस्तान के लिए आप क्या मैसेज देंगे? जी, मैं उनको ये मैसेज दूंगा कि वो पाकिस्तान एक दफ़ा विज़िट करें, यहाँ पे आएँ, नॉर्दर्न एरियाज़ में जैसे हम इंजॉयमेंट करें वो भी इंजॉयमेंट करें, उनको अच्छा लगेगा। मतलब अपने प्रदेश में से आके अपने वतन में भी घूमे फिरे। जी बिल्कुल, हर पाकिस्तानी को चाहिए कि वो पंजाबी च कहते ना, सारे पैसे उत्थे ही ना खा। हाँ जी बिल्कुल, पाकिस्तान भी आके पैसे लाओ। जी हाँ, ये चीज ये शॉर्ट है ऐसे रोज। थोड़ा ऊपर देखो, ऐसे ही उधर देखो, इधर देखो, हाथ रखो थोड़ा सा, इसको खोलो, फ्रॉक को खोलो, बहुत मजे की शॉट आ रहे हैं। रैम बड़ा, ये रैम बड़ा मजा,
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा मुजम्मल, आप बताएं ना जी, आपको कैसा लगा यहाँ? बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि मैं पहली बार आया हूँ तो, लेकिन बहुत प्यारी जगह है। और मैं अपने व्यूवर्स को खुश आमदीद कहूँगा कि वो पाकिस्तान में इस साबरी अबशार का ज़रूर विज़िट करें। नेचुरल चीज़ें हैं, पाकिस्तान एक जन्नत से कम नहीं है। बहुत खूबसूरती है, जैसे आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि आबशार से पानी आ रहा है, ठीक है। बहुत ही नज़ारे आप देख रहे हैं, व्यूवर्स को देखने को मिलेंगे, और जो एक बार यहाँ आएगा वो बार बार आने की कोशिश करेगा, क्योंकि पाकिस्तान हमारा कंट्री बहुत ही खूबसूरत है। और ये हमारा इस महीने में तीसरा ट्रिप है लेके हम लोग आए हैं, और स्पेशली ब्यूटिशियंस और फैमिली के लिए लेके आते हैं। लास्ट टाइम हम सजी गोल्ड लेके आए थे, और अब साबरी अबशार लेके आए हैं। तो बहुत अच्छा हमें रिस्पांस मिल रहा है लोगों को, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम जब हम लेके आए थे एक गाड़ी है, इस बार हम दो गाड़ियाँ लेके आए। इंशाल्लाह अगली बार जो होगा उसमें हमारे और ज़्यादा व्यूवर्स और हमारे फैन जो हमारे फॉलोअर्स हैं वो इंक्रीज़ होंगे, क्योंकि दिन ब दिन कारवां हमारा बढ़ रहा है। अच्छा मैसेज भी कोई दे देना लोगों को, यहाँ आना चाहिए कि नहीं? जी जी, ये बहुत प्यारी जगह है साबरी अबशार। तो हमने YouTube को इसको सर्च किया था और फिर देखा है, और आज जो YouTube के अलावा जब आके देखा है ना, नेचुरल चीज़ें बहुत ही ज़्यादा हमें मज़ा आ रहा है, इंजॉय कर रहे हैं। और आप लोगों को भी कहूँगा कि आप लोग यहाँ पे ज़रूर विज़िट करें। तो ये YouTube पे लोग अगर ये अब बोल टीवी देखें तो ये तो सारा कुछ उनको हम तो लाइव दिखा रहे हैं जी। कैसा लगेगा? बहुत ज़बरदस्त लगेगा, क्योंकि उनको घर बैठे हम इंटरटेन कर रहे हैं। जो लोग नहीं आए, जो मिस, जिन्होंने जो नहीं पहुंच सके, मिस करें, वो इस चीज़ को और ज़्यादा मिस करें कि हमने एक गोल्डन चांस को मिस कर दिया है। बहुत शुक्रिया रिवाज मुजम्मल, हमारा बहुत प्यारा क्यूट सा भाई है, और ये हमारे साथ बहुत सारा काम करता है, मेहनत करता है, घूमता है, इसके घूमने फिरने के अंदर बहुत इसका अमल दखल होता है। और जैसा आप देख रहे हैं ये खूबसूरत से मनाजर, ये नज़ारे, यकीन करें इनसे मेरा अपना भी दिल नहीं भरता। अगर आप देखें तो मैं काफ़ी देर से पानी में चल रहा हूँ, और इस पानी से निकलने को बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा है। आप देख सकते होंगे ये इंजॉयमेंट, इंटरटेनमेंट जो है, देखा जाए तो ये भी बड़ी ज़रूरी होती है ज़िंदगी के लिए। यहाँ पर ये आप देखें, मेरे बैग पे आपको नज़र आएगा कि हमारे कुछ साथी जो हैं वो इंजॉय कर रहे हैं। तो यहाँ से थोड़ा सा नीचे उतरना डीप थोड़ा मुश्किल है, तो मैं दूसरी साइड से चल के आता हूँ, आप मेरे साथ रहें, देखते रहें। और मैं ये ज़रा पानी से थोड़ा सा दूर से गुज़र के एहतियात के साथ, क्योंकि आपको पता है मैं पहले भी एक दफ़ा गिर गया था, तो मैं यहाँ पर इन लोगों की रिकॉर्डिंग भी करता हूँ और आपको दिखाता भी हूँ। हमारा असद फ़ोटोशूट पे लगा हुआ है जनाब, अपने काम में बिज़ी है, और यूँ मैं ताकि इसका काम भी डिस्टर्ब ना हो, असद शूट क्या कर रहा है मैं आपको वो दिखाना चाहता हूँ। राशिद भाई फेंके पानी ऊपर, ऊपर पानी दोनों ऊपर फेंके, ये जी ऊपर थोड़ा ज़्यादा काम जारी है, आप देख रहे हैं। आप लोग सामने देखें, आप लोग इधर देखें, और जनाब ये आप देख रहे होंगे लुबना मलिक और चौधरी राजद, हम भी पानी में एंजॉय कर रहे हैं जी। साबरी साबरी अबशार में इस वक्त मौजूद हैं और बहुत एंजॉय कर रहे हैं, और बहुत सारी फैमिलीज हमें हमारे साथ आई हैं, हमें ज्वाइन किया है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट प्लान करेंगे ट्रिप का, तो आप लोग भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं बहुत माइनर से चार्जेस में। हम लोग पिकिंग, ड्रॉप, खाना पीना, वन डे का ट्रिप होता है बेसिकली, और खूबसूरत खूबसूरत जगहों पे हम लोग लेके जाते हैं। हमारे साथ शहीद अली बाबा मौजूद हैं माशाल्लाह, ये सब बहुत अच्छी कवरेज कर रहे हैं। और इसके अलावा मेरी व्यूअर्स से यही दरख्वास्त है कि नेक्स्ट इंशाल्लाह हम बहुत जल्द कोई अच्छा प्लान करेंगे, तो आप लोग भी हमें ज्वाइन कीजिएगा। अच्छा, खूबसूरत चोई साहब, आज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे लिए जो हमारे मस्जिद मेहमान तशरीफ़ लाए हैं, तो आज ज़रा आप इनसे एक दो सवाल करें, चले मेरे साथ। हमारे साथ मौजूद हैं सिमाब, ये एक माशाल्लाह बहुत अच्छी ब्यूटिशियंस भी हैं, और सिमाब मुझे ये बताइएगा कि आज आप लोगों ने हमें ज्वाइन किया इस ट्रिप में साबरी अबशार आके, आपको कैसा लगा, और ड्रीम इवेंट की मैनेजमेंट और आपको कैसी लगी?
अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू राशिद भाई, बहुत मज़ा आया हमें और हम लोगों ने आज बहुत इन्जॉय किया। लाइक साबरी आबशार एक तो वैसे भी बहुत अच्छी आबशार है और यहाँ हमने राशिद भाई और लुबना चौधरी का बहुत थैंक यू सो मच कि इन लोगों के साथ हमने बहुत इन्जॉय किया। और दूसरी बात यह है कि मेरा स्टाफ पूरा आया हुआ है मेरे साथ और बहुत इन्जॉय किया हमने, बहुत मज़ा आया हम लोगों को और अभी तक फ़िलहाल इन्जॉय करें। थैंक यू सो मच राशिद भाई एंड लुबना चौधरी। जी वेवर्स, हमारे साथ मौजूद हैं जी लुबना, जो हमारी मेरी रीढ़ की ड्रीम इवेंट की, इस रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती हैं, ड्रीम इवेंट की जान। हम इनसे भी बात करेंगे, ये भी बहुत इंजॉय कर रही हैं। जी लुबना, क्या कहेंगी आज के ट्रिप के हवाले? आज का ट्रिप बहुत अच्छा था और बहुत ज़्यादा इंजॉय किया कि जितनी भी मतलब कि जून जुलाई मई में गर्मी बर्दाश्त की थी, आज वो सारी मतलब कि यहाँ आके इंजॉय किया और बहुत अच्छा पानी था यहाँ का, इतना ठंडा कि बहुत मज़ा आया यहाँ पे। थैंक यू जी। हमारे साथ एक नन्ही सी गुड़िया मौजूद है, इनसे भी हम बात करते हैं, ये भी इंजॉय कर रही थी। कैसा लगा आपको यहाँ? बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, पानी तेज है और यहाँ का वेदर बहुत अच्छा वेदर है। मेरा ये है कि आप सब भी आए यहाँ पे इंजॉय करने के लिए, यही कहती हूँ कि आप सब भी यहाँ पे इंजॉय करने के लिए, बहुत अच्छा व्यू है यहाँ का। जी व्यूअर्स, सब लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और यहाँ का वेदर भी अच्छा है, साबरी आबशार कोहाला के पास है। और हम कुछ और लोगों से बात करते हैं कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं यहाँ पे आके। जी आप बताइएगा, आज का ट्रिप ड्रीम इवेंट की मैनेजमेंट और यहाँ का एनवायरनमेंट आपको कैसा लगा? हमें बहुत मज़ा आया और इन्जॉय भी कर रहे हैं, और मतलब अब इस ट्रिप के बाद हम जाएंगे, हम लोग इतना रिलैक्स फील करेंगे ना, इतना रिलैक्स के हैं और मरे की तो बात ही कुछ अलग ही है और बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय। जी आप क्या कहेंगी? हमें भी बहुत मज़ा आया, पहली दफ़ा इस जगह पे आए और पानी देख के वैसे भी गर्मी में, और बहुत मज़ा आया, खाना बहुत अच्छा था और बहुत इन्जॉय करे, वेदर बहुत अच्छा है। जी व्यूअर्स, हमने कुछ लोगों से आपकी बात भी करवाई और सब ने बहुत इन्जॉय भी किया, बल्कि कर भी रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह जो व्यूअर्स हमारा ये वीडियो देखेंगे, नेक्स्ट हमें भी ज्वाइन करेंगे और नेक्स्ट ट्रिप में हम लोग आप लोगों को इन्फॉर्म करेंगे। जी व्यूअर्स, आप हमें ज्वाइन करें ड्रीम इवेंट्स को। ड्रीम इवेंट्स हमेशा से बड़ी अच्छी अच्छी मैनेजमेंट के साथ ट्रिप लेके मुख्तलिफ प्लेसेस पे लेके आता है, और साथ ही आप अब बोल ऑफिशियल टीवी को भी देखें और इसको वॉच करें, क्योंकि तो जितने हमारी ट्रिप ड्रीम इवेंट के पैनल पर होते हैं वो सारी लाइव कवरेज अब बोल करता है। थैंक यू सो मच व्यूअर्स। थैंक यू सो मच मैम। सबसे पहले तो मैं अब बोल टीवी का शुक्रिया अदा करूँगा, और उसके बाद ये कि हम लोग इस्लामाबाद रावलपिंडी से ड्रीम इवेंट्स की जानिब से आए हैं और एक टूर जो है वो हम लोग लेकर आए हैं। ये हमारा चौथा ट्रिप है और बहुत लोग एंजॉय कर रहे हैं, आपके सामने ही हैं, आप लोगों ने जर्नल शॉट्स लिए होंगे इसके। लेकिन बीइंग अ जर्नलिस्ट, ये जो इलाका है ये केपी के गवर्नमेंट का है, तो मैं इमरान खान को एक रिक्वेस्ट करूँगा उनके तवसुस से जितने भी काम करने वाले इदारे हैं उनको, कि कम से कम यहाँ पर थोड़ी सी तवज्जो दी जाए, थोड़ा सा रोडों का ख्याल किया जाए और एक अच्छा स्पॉट ये बन सकता है, ताकि यहाँ पर जो फॉरनर्स जो हैं वो भी इस जगह को बड़े अच्छे तरीके से एंटरटेन कर सकते हैं। सर आपका क्या ख्याल है कि अगर हम फॉरनर्स को या पाकिस्तानियों को यहाँ पर इन्वाइट करें तो वो इन्जॉय करेंगे ये जगह? मैम आ रहे हैं फॉरनर्स जो हैं वो तो ज़ारो कतार पाकिस्तान के जितने भी नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, इनको पसंद करते हैं, इनको लाइक करते हैं और इन पर जाकर वो प्रॉपर जो है वो इनकी वो डॉक्यूमेंट्रीज जो है वो जाके अपने चैनल्स पर वहाँ पर ऑन एयर करते हैं। तो इसमें कहने में कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान दुनिया का एक हसीन खत्ता है और हमारा जो नॉर्दर्न एरियाज़ है इसको जन्नत नज़ीर आपको पता है कि कहा जाता है। तो यहाँ पर तो लोग, मैं कहता हूँ कि जोग दर जोग आने चाहिए, और ऐसे ही हमें देखकर जब फॉरनर्स जो, हमारा ये मैसेज जो है पूरी दुनिया के लिए है कि पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्द मुल्क नहीं है, यहाँ पर लोग इंटरटेन कर रहे हैं, लोग इन्जॉय कर रहे हैं, लोग सेलिब्रेशन कर रहे हैं, जैसे आप देख रहे हैं इस गर्द नवा में ऐसा हम लोग इस
पा रहे हैं। अब देखें, झील है, दरिया है, बहुत खूबसूरत जगह है। यहाँ पे लोग काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। पानी के अंदर टेबल चेयर्स हैं, खाना है, पीना है। और बहुत सारी ट्रिप्स आई हैं इस्लामाबाद से, गुजरात से, लाहौर से, पूरे पाकिस्तान से आए हुए। और मैं चाह रही हूँ कि मेरी एक दरख्वास्त है, या हम सब की एक दरख्वास्त है, एक हमारी दरख्वास्त है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट को चाहिए ऐसे जो प्लेटफॉर्म है उनकी तरफ ध्यान दें और उनकी खूबसूरती को बरकरार रखा जाए। और जो यहाँ पे आवाम आती है उनसे एप्लीकेशन अपील की जाती है कि आप आएँ यहाँ, मगर यहाँ पे गंद नहीं बिछाएं। हर चीज़ को तरीके से संभाल के रखें, हर चीज़ को साफ़ सुथरा रखें, तो दूसरे लोग भी आने वाले कहेंगे कि वाकई ये जगह अच्छी है। थैंक यू सो मच सर। जी विवस, बहते झरनों, सरसब्ज़ शादाब पहाड़ों, दरियाओं, झरनों, पहाड़ों, सहराओं, क्या क्या अल्लाह ने किन किन नियामतों से नवाजा इस मुल्क को। इस मुल्क के अंदर अल्लाह पाक ने हमारे लिए क्या क्या नेमतें रखी हैं, कितना खूबसूरत है हमारा ये मुल्क। मैं भी आपको यही दिखाने की कोशिश करता हूँ और आपको ऐसी जगहों पर लेकर जाता हूँ जहाँ अल्लाह पाक की खूबसूरती, हुसन और नज़ारे आपको देखने को मिलते हैं, और इससे आपके दिल और रूह की तस्कीन भी होती है, दिमाग को भी सुकून मिलता है। और अमर इस बात ये ज़रूरी है कि इस इलाके को जो आज मैंने आपको दिखाया, इसको भी आप विज़िट करें। ये इलाका है जी साबरी वाटरफॉल और मूलिया नाम की ये जगह है, और ये आपको कोहाला पुल से थोड़े से टाइम की ड्राइव है। कोहाला पुल से आपको आज़ाद कश्मीर की तरफ नहीं एंटर होना पड़ता।